हेलो गाइस, नमस्कार। आज हम लेकर आए हैं एक चटपटा सा नमकीन, साबूदाना और मखाना, सिंगदाना और आलू चिप्स वाला यह नमकीन। एक मज़ेदार नमकीन है, बड़ा वाला सिंगदाना आधा कप आपको लेना है। हमने भी आधा कप यहाँ बड़ा वाला सिंगदाना लिया है। एक महीन आता है, एक मीडियम आता है और एक ये बड़ा दाना। इसके अलावा साथ में होगी इसके आलू वाली सूखी चिप्स जो बाज़ार में मिल जाती है। नहीं तो आप दो आलू लें और उसको भी आप जो है फ्राई कर सकते हैं। सूखा सिंगदाना हमने यहाँ लिया है, फ्रेश सिंगदाना जिसमें नमी नहीं हो। और यह मखाना है आधा कप, तो यह आधा कप मखाना, आधा कप सिंगदाना, आधा कप आलू चिप्स कतरन और आधा कप ही हमने लिया है वह साबूदाना। और सेंधा नमक और चाट मसाला इसमें हम यूज़ करेंगे। इसके साथ ही कुछ सूखे मेवे भी, जिसमें बादाम, काजू, किशमिश इत्यादि हो। और चार पांच स्टिक आपकी ये सूखा नीम जो होता है, इसको भी हम साथ में फ्राई कर लेंगे, तो ये मज़ेदार हो जाएगा। इसके साथ ही आप काली मिर्च, सौंफ, जीरा का पाउडर भी डाल सकते हैं। यहाँ हम ये अभी पाउडर नहीं डालेंगे, क्योंकि केवल हमको नमक और चाट मसाले वाला ही यह टेस्टी लगता है। और चाहे तो आप लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। यहाँ एक ट्रिक से यहाँ देखिए, आपकी साबूदाना जब हम फ्राई करें, उससे पहले हमको 2-3 चम्मच इसमें पानी डाल देना है, और लगभग आधा मिनट वह पानी इसमें रहे, ताकि पानी को वो थोड़ा सा सोख ले। और उसके बाद में इसको स्टेनर में डाल लें, ताकि जो एक्स्ट्रा पानी हो वो बाहर निकल जाए। स्टेनर में आप एक एक दाना इसका पानी निकाल लें इसमें से। इसके बाद हम जो है मूंगफली का शुद्ध तेल लेंगे। हम पोस्टमैन वाला मूंगफली का तेल यूज़ करते हैं। आप कौन सा तेल यूज़ करते हैं ज़रूर बताएं। मूंगफली का तेल हमने लिया जो बहुत गर्म होना चाहिए। यह साबूदाना जिसमें हमने स्टेनर में डाल दिया था उसको, और उसका पानी भी इसने सोख लिया है, जितना पानी इसने सोखना था, और एक्स्ट्रा पानी हमने इसका निकाल लिया है। तो इस तरह से हमको इसे फ्राई करना है। जब आप फ्राई करने के लिए तेज़ आँच वाले गर्म, एकदम तेज़ गर्म तेल में इसको डालते हैं, तो उस समय आप देखें थोड़ा बच के रहें, छींटे बहुत ज़्यादा उड़ते हैं। एक दाना डालकर मैंने देख लिया था, वो तेल हमारा अच्छा गर्म हो चुका है। तो चलिए अब डालते हैं ये साबूदाना। साबूदाना जब हमने डाला, तो आप देखेंगे कि यह एक पापड़ की तरह से चिपक गए आपस में, सारे दाने आपस में चिपक जाते हैं। तो इसकी कोई चिंता नहीं, जैसे जैसे यह फ्राई होगा वैसे वैसे एक एक दाना इसमें से बिखर जाएगा। उस समय जब हमने डाला था, फ्लेम पूरी तरह से हाई थी, और अब हमने फ्लेम को मीडियम कर रखा है, आप देख रहे हैं। तो मीडियम आंच पर इसको तलना है, फ्राई करना है। एक एक दाना इसका बिखर न जाए तब तक फ्राई करना है। इसका रंग चेंज नहीं होना चाहिए। आप खुद ही देख लेंगे कि जब तेल में जो बुलबुले होते हैं वो आना बंद हो जाए, और तेल के ऊपर आराम से तैरने लगे, और पॉपकॉर्न की तरह या फूटने लगे, पूरी तरह से ये ऐसा क्रंची सा दाना दिखने लगे, तब ही आपको इसे बाहर निकालना है। तो तकरीबन 1.5 मिनट के लगभग तक हम इसको फ्राई करेंगे। जल्दबाजी ना करें इसमें, नहीं तो जब ये दाना कच्चा रह जाता है तो फिर वो खाने में नहीं आएगा, और पूरा मिक्सचर आपका बेकार हो जाएगा। तो सबसे बड़ी ट्रिक यही है कि आपको साबूदाना जो है वो फ्राई करते समय लो फ्लेम पर आराम से धीरे धीरे इसको फ्राई करना है। एक एक दाना इसका फूटने लगे तब तक इसको चलाते रहना है। चलाने से होगा यह कि नीचे का दाना ऊपर, ऊपर का दाना नीचे, तो ऐसा होने से वो कच्चा नहीं रहेगा। तो ये देखिए, एक एक दाना हमने इसका क्रंची होते हुए देख लिया है, और ये हम इसको तेल से निकाल लेंगे। इसी तरह से 2 बार में कर हम जो है इस मिक्सचर को, इस साबूदाने को फ्राई कर लेंगे। दूसरी बार में भी जब हम डालें तो फ्लेम थोड़ी तेज़ करके तेल को थोड़ा गर्म होने दें, और उसके बाद ही दूसरी बार भी साबूदाना आप डालें। 2-3 बार में कर करके इसको हम जो है फ्राई कर लेते हैं। सींग दाना जो होता है वो मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई होता है। वह ज़्यादा देर तक कढ़ाई में नहीं रहना चाहिए। जब वो चटकने लगे, फटने लगे, तभी उसको आप निकाल लें। उसका कलर भी आपको चेंज नहीं होने देना है। यदि सींग दाना थोड़ा सा भी ब्लैक हुआ तो एक कड़वा सा हो जाएगा और स्वाद पूरा चेंज हो जाएगा। तो इसको डालते ही वापस आप जो है चटकते हुए दाने को निकाल लें। अब यहाँ आलू की जो सूखी चिप्स है वह भी मीडियम फ्लेम पर आप इसको फ्राई करेंगे, और फ्राई पैन में डालते ही आप इसको 2-3 बार पलटे से चलाएंगे और बाहर निकाल लेंगे।
क्योंकि यह भी बहुत जल्दी लाल हो जाती हैं, जल जाती है क्योंकि सूखे हैं। यदि आलू चिप्स आप जो हैं घर पर ही ताज़ा बनाना चाह रहे हैं तो आप कीस करके उसको आलू को थोड़ी देर हवा में, पंखे की हवा में सूखने दें और उसके बाद में आप इसको फ्राई कर सकते हैं, वो भी अच्छी लगती है। लेकिन यह सूखी वाली, अभी बरसात का मौसम है, ज़्यादा उसमें नमी रहती है, इसलिए हमने यह सूखी वाली ही यूज़ की है। तो इस तरह से दो बार में कर हमने यह आलू की जो कतरन है वह हमने इसको फ्राई कर ली है। अब मखाने की बारी आएगी। मखाना भी आप तब तक ही फ्राई करें जब तक वह क्रंची सा ना हो जाए। जब आप आलू की चिप्स फ्राई कर रहे हो ना तो प्लेट में उसको फैला दें। ये वाला मखाना है वाइटनेस मखाना, एकदम फ्रेश मखाना होना चाहिए, बहुत हेल्दी होता है। और इसको आप घी में फ्राई करके वैसे भी खा सकते हैं, नमक मिर्ची या शक्कर वगैरह डाल के, या फिर इसी तरह से मिक्सचर में नमकीन इत्यादि में आप इसको फ्राई करके काम में लीजिए। मखाना बड़ा हेल्दी होता है। मखाने को हमने फ्राई कर लिया और सूखे मेवे भी तेज़ आँच पर नहीं, मीडियम आँच पर आप डालें और निकाल लें, क्योंकि अभी तेल गर्म है। मुझे लग रहा है कि मेरा जो है सूखा मेवा जो है जल ना जाए, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं जल्दी से इसको निकालने की, क्योंकि ये जैसे ही तेल में जाएगा, सूखा होता है इसलिए जलने का इसका डर होगा। और अब हमारे पास में जो पत्ते हैं, मीठा नीम या मीठा नीम भी आप अच्छे से फ्राई कर लें। इसी के साथ मेरे पास कुछ हरी मिर्चें थी, उनके भी मैंने कुछ टुकड़े कर लिए हैं, और हरी मिर्चों को भी हम इसको फ्राई करके इसमें डाल देंगे। तो यहाँ देखिए आप, सूखा ये जो पत्ता है ना, हरा नीम, मीठा नीम जिसको बोलते हैं, यह फ्राई हो चुका है। और हरी मिर्च भी हम जो है इसी के साथ फ्राई कर लेते हैं, वो भी मिक्सर में चली जाएगी इन पत्तों के साथ ही। जब ये ठंडे हो जाएंगे थोड़ा सा हाथ से आप इसको चूर लें। ये देखिए दाना भी ठंडा हो चुका है, यानी हर चीज़ हमारी ठंडी हो गई है। इसके बाद हम इसको मिक्सर में मिलाते हैं, मिक्स करते हैं, पहले साबूदाना, फिर आलू की कतरन, फिर सिंग दाना, और ये मखाना आ गया, इसको भी हमने इसमें मिक्स कर दिया है। उसके बाद में जो हमारे पास सूखे मेवे हैं, देखिए काजू लाल हो गया ना, मैंने ना कहा था गरम तेल में इसको डालने से ये काजू लाल हो गया, नहीं तो लाल होना नहीं चाहिए था। और ये सूखे पत्ते जो हमने फ्राई किए थे, अभी कुछ देर बाद हम थोड़ा सा हाथ से इसको मस लेंगे तो ये इसमें पाउडर सा हो जाएगा। और इसके बाद हमें इसमें डालना है सेंधा नमक। सेंधा नमक आप स्वाद अनुसार डालें, ज़्यादा ना डाल दें। यदि आप व्रत के लिए करते हैं, कुछ आइटम बनाते हैं, तो सेंधा नमक ही आपको उपयोग करना है। सेंधा नमक, काला नमक, इसके अलावा जीरा पाउडर, सौंफ पाउडर, काली मिर्च पाउडर, शक्कर पाउडर, ये सारी चीज़ें आप डालें, लेकिन हम नहीं डाल रहे हैं, केवल सेंधा नमक, काला नमक और ये थोड़ा सा चाट मसाला हमने इसमें डाल दिया। तो दोस्तों इस तरह से तैयार हो गया हमारा ये शानदार नमकीन, और यह क्रिस्पी हैं, क्रंची हैं, और स्वाद में बड़ा लाजवाब हैं। जब आप इसको खाएंगे ना तो कभी मुंह में आपके काजू आएगा, कभी बादाम आएगा, कभी सिंगदाना आएगा, कभी पत्ता आएगा, कभी हरी मिर्च आएगी, और ये इतना गजब का टेस्ट होता है कि आप इसके टेस्ट को भुला नहीं पाएंगे। तो जब भी आप रेसिपी अपने किचन में बनाएं, नमकीन कुछ खाने का मन हो तो आप ज़रूर इस तरह का मिक्सचर बनाएं। आप हमें कहाँ से देख रहे हैं कमेंट्स ज़रूर करें, और इसी तरह की रेसिपी आप देखते रहें मालवा का मोती यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ हारून अंसारी, धन्यवाद, जय।